नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आपके पास मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस है और आपका मोबाइल में अगर आप यूज कर रहे हैं तो डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे। यानी कि डिवाइस नॉट कनेक्टेड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी मंत्रा का एप्लीकेशन ओपन किया है, मंत्रा आरडी सर्विस। यहाँ पे हमें जो है इंटरनेट अवेलेबल, मैनेजमेंट सर्विस, सारा कुछ अवेलेबल दोनों बता रहा है, लेकिन ये तीनों ग्रीन होना चाहिए जैसे और सब है। तो यहाँ पे रेड मार्क कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, डिवाइस नॉट कनेक्टेड। इस समस्या का समाधान कैसे आप कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन सा तरीके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस अगर आपके पास है, अगर आप मोबाइल पे यूज करते हैं, डिवाइस नॉट कनेक्टेड या डिवाइस नॉट रेडी, ऐसा कोई भी एरर आता है तो कैसे आप समाधान कर सकते हैं। कई बार मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस में डिवाइस नॉट कनेक्टेड या 1140 का एरर आ जाता है, कभी कभी टाइम आउट हो जाता है या फिर डिवाइस जला हुआ ही रह जाता है, कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो डिवाइस नॉट कनेक्टेड इस तरह से आता है, दोनों आपका ग्रीन हो जाता है, लेकिन सबसे लास्ट वाला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिवाइस नॉट कनेक्टेड, इस समस्या का समाधान क्या है। तो सबसे पहले मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस को ठीक से आप कनेक्ट करिए मोबाइल फोन में। अभी हमने कनेक्ट किया है लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं डिवाइस नॉट कनेक्टेड लिख रहा है। तो इनमें आपको किस किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको OTG चेक करना है, जो आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस का छोटा वाला जो मोबाइल में आप कनेक्टर यूज करते हैं उसको OTG बोलते हैं। उस OTG को सबसे पहले आप कनेक्टर को आप चेक करें सही से प्रॉपरली, या फिर कोई और कनेक्टर हो तो उसको आप एक बार कनेक्ट करके देखें। पहला तो ये प्रॉब्लम हो गया, ये चीजें हो सकता है। दूसरा हो गया कि आपका फोन में जिसमें आप जो चार्जिंग केबल होता है जिसमें आप OTG लगाते हैं, वो फोन का आपका खराब हो सकता है, ये दूसरा चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है डिवाइस नॉट कनेक्टेड ऐसा अगर लिखता है, या फिर किसी भी वर्क में आप यूज कर रहे हैं फोन में, तो कहीं ना कहीं उस एप्लीकेशन का प्रॉब्लम को लोग समझ पाते हैं। मान लीजिए AEPS यूज करते हैं तो आप AEPS प्रॉब्लम को समझते हैं कि AEPS का एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारा डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, या फिर सिम चालू करते हैं या कुछ भी आप काम मंत्रा फिंगरप्रिंट से किसी भी तरह का काम अगर मोबाइल से आप करते हैं तो अदर ऐप से कोई लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। अगर किसी भी चीज का यूज करते हैं तो क्या होता है, उस सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करते हैं आप। मान लीजिए किसी भी कंपनी का आप CSP चलाते हैं, AEPS चलाते हैं, तो आपको लगता है कि डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, उस कंपनी को कॉल लगाते हैं, कहते हैं कि हमारा डिवाइस काम नहीं कर रहा है मंत्रा, तो मंत्रा उसमें वो कंपनी आपको कुछ भी नहीं कर सकता, ये मंत्रा का प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको दो तीन चीजें चेक करना है। पहला तो आपको चेक करना है कि आपका जो छोटा वाला OTG है वो OTG ठीक है या नहीं है। अगर कोई अदर OTG हो तो उसको आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपका सही हो जाए, या फिर आपका फोन का जो जिसमें आप कनेक्ट करते हैं OTG चार्जिंग केबल जिसको बोलते हैं, तो जिसमें आप कनेक्ट करते हैं वहां पे आप चेक कर सकते हैं आपका फोन का, वो भी खराब हो सकता है। या फिर उनमें से अगर आपने सारा कुछ चेक करके देख लिया उसके बाद भी अगर नहीं होता है डिवाइस नॉट कनेक्टेड, तो कहीं ना कहीं वो मंत्रा का प्रॉब्लम होगा। ये रिचार्ज का प्रॉब्लम की वजह से ऐसा समस्या कभी भी नहीं होता है। इसका समाधान क्या है वो मैं आपको अब बताता हूं। अगर डिवाइस पूरी तरह से कनेक्ट हो ही नहीं रहा हो किसी भी फोन में, OTG चेंज करने के बाद भी, मोबाइल चेंज करने के बाद भी, मंत्रा अगर डिवाइस नॉट कनेक्टेड ही लिख रहा हो, तो इसका समाधान बिल्कुल ईजी है। इसका समाधान ये है कि आपको सबसे पहले कंपनी को RMA के लिए भेजना पड़ेगा। RMA जो है कंपनी को मतलब रिपेयरिंग में आपको भेजना पड़ेगा। रिपेयरिंग अगर एक साल के अंदर का डिवाइस होगा तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ठीक होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सपोर्ट का ऑप्शन है, सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं एक मंत्रा का कस्टमर केयर नंबर है जो कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट देता है। मंत्रा कंपनी बिल्कुल अच्छा है जो कि सपोर्ट के मामले में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह का जानकारी के लिए आप अगर फिंगरप्रिंट डिवाइस खराब हो गया हो तो मंत्रा का कस्टमर केयर नंबर पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप नंबर देख पा रहे हैं 9:30 to 7 PM का ये जो है टाइमिंग है, तो इस टाइमिंग के अंदर कभी भी फोन करके मंत्रा कंपनी से आप सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर डिवाइस नॉट कनेक्टेड अगर सारा कुछ चेंज करने के बाद भी आ रहा है तो वो डिवाइस को आपको RMA करना पड़ेगा। RMA का प्रोसेस अगर आपको नहीं पता तो आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला है, उसको आप चेक कर सकते हैं, या फिर ये मंत्रा का कस्टमर केयर हेल्पलाइन की मदद आप ले सकते हैं। काफी इजी प्रोसेस है,
जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मंत्रा का ये जो प्रॉब्लम होता है डिवाइस नॉट कनेक्टेड, ये क्यों होता है और इसका क्या समाधान है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।